छात्राओं ने बाहरी युवकों पर लगाया विद्यालय में आकर छेड़छाड़ करने का आरोप। अलीगढ़ धर्म समाज महाविद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं ने बाहरी युवकों पर विद्यालय में प्रवेश कर छात्राओं से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। छात्राओं का कहना है कि बाहरी दबंग किस्म के लोग विद्यालय परिसर में अंदर आ जाते हैं और उसके बाद छात्राओं से छेड़छाड़ करते हुए उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। छात्राओं का आरोप है कि उक्त युवकों की बात जब छात्राएं नहीं मानती हैं तो उक्त दबंग युवक लड़कियों पर तेजाब डालने की भी धमकी देते हैं। वहीं दबंग युवकों द्वारा छेड़छाड़ व उल्टे सीधे कमेंट एवं मनमानी किए जाने से परेशान छात्राएं आज SSP कार्यालय पहुंची और SSP से मुलाकात कर उक्त युवकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही छात्राओं ने कहा कि अगर जल्द ही उक्त युवकों पर कार्यवाही नहीं होती है तो छात्राएं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगी। क्या मामला, किस प्रार्थना पत्र को लेकर आज SSP ऑफिस आए? सर, ये बाहर के कुछ लड़के आते हैं, पूरा ग्रुप गैंग बना के आते हैं और लड़कियों को इतना छेड़ते हैं, इतना परेशान करते हैं, कभी हम खाना भी चैन से नहीं खाने देते। और सर, ये हम बाहर जाते हैं फिर बाहर भी आके हमें परेशान करते हैं और धमकियां देते हैं एग्जिट वगैरह डालने की, इतनी बड़ी बड़ी बोतलें लेके आते हैं सर। और सर, हमारा हाथ पकड़ पकड़ के बोलते हैं कि हमें भी खाना खिला दो, पानी की बोतल दे दो, ये कर दो, इतने गंदे, हम सर आपको बता भी नहीं सकते सर, इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं सर। हमने घर पे इसीलिए नहीं बताया, फिर हमारे घर वाले हमारी पढ़ाई बंद करा देंगे बस इसी वजह से, क्योंकि आजकल के माहौल में लड़कियों को ज्यादा बिलीव हो रहा है सर, लड़कों की तो कोई गलती नहीं बताता। तो कौन लोग हैं, आप SSP तक मिले हैं? जी सर। क्या आश्वासन दिया है? सर ये बोल रहे हैं कि आगे आपका मतलब ये माना जाएगा और इसके उस पर वो होगी, कार्यवाही होगी। कौन लोग हैं वो लोग, कौन है? सर शैलेंद्र, एक शैलेंद्र है, अंकुर शर्मा है, विवेक चौधरी है, शीतू चौधरी है, जया यादव है, सौरभ यादव है, और भी सर पता नहीं, अन्यथा बहुत सारे छात्र। सर टाइम तो बहुत हो गया सर, 1.5 महीने पहले यहाँ पे थाने में भी एप्लीकेशन दी थी, कोई वो नहीं हुई, सुनवाई नहीं हुई, कॉलेज प्रशासन भी कोई सुनवाई नहीं करता है हमारी। DS धर्म समाज। आज क्या आश्वासन दे देगा, संतुष्ट हुए आप उनका आश्वासन? सर हुए तो हैं सर, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। सर तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा, मतलब FIR होगी दर्ज। जी सर। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है पुलिस के द्वारा, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? सर हम आत्महत्या कर लेंगे अगला कदम, और कुछ चारा, आत्महत्या करेंगे और कुछ चारा है नहीं है। और हमारी पढ़ाई, हमारे भी कुछ सपने हैं, हम भी कुछ बनना चाहते हैं, अब इन लोगों की वजह से थोड़ी ना कुछ। सर आगे का तो यही है कि आत्महत्या कर लेंगे। सर छात्राएं तो बहुत है, लेकिन कुछ छात्राएं अपनी मतलब डरती है, डर रही है, पता नहीं किसकी वजह से कुछ आ नहीं रही है। अब हिम्मत करके आए हैं हम, ये तो कि आगे हमारा बस एक ही ऑप्शन है, या तो ये सुनते हैं वरना हम आत्महत्या कर सकते हैं। नहीं सर, बाहर के हैं, बाहर के कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में करते हैं आपके साथ छेड़खानी या बाहर कॉलेज? सर बाहर भी हमारा पीछा करते हैं और कॉलेज में भी आके बदतमीजी करते हैं। नहीं सर, बाहर के हैं। कितने समय से ये सब चल रहा है? सर बहुत टाइम हो गया है। अब क्या कुछ ज्यादा बड़ी वारदात? जी सर, जब एग्जाम टाइम आते हैं तो ये और ज्यादा वो करते हैं हमें। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।